recent statement by RSS Chief Mohan Bhagwat regarding the uniform population ideology has sparked a new debate in Indian politics and societal balance. Bhagwat encouraged Hindus to have at least 3 children to maintain the communal demographic balance in the face of a growing Muslim population. He referred to Lok Sankhya Shastra, stating that if the population growth rate falls below 2.1, a society will automatically decline. According to him, this issue is no longer just political but holds cultural significance. It is clear, however, that fostering a sense of fear is a key element of the RSS and BJP strategy. Reports indicate that the fertility rate among Muslims has also decreased from 4.4 to 2.6. According to RSS, the need for a uniform population policy necessitates encouraging Hindus to have 3 children in order to balance the population growth. Some circles have labeled this view as communal and fear-mongering politics. However, Mohan Bhagwat defends this stance as a cultural necessity. की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही, कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले 2.1 च्या खाली येतात. आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, कधी 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, तसं शास्त्र सांगत. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे, ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना, निर्णया प्रकार असतात व्यक्तींच्या कुटुंबात, 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले. To gain further insights on this matter, we spoke with Maulana Maqsood Imran Rashadi, Imam and Khatib of Jama Masjid City Market, through a telephonic interview to get his opinion on this issue. ये जो ताज़ा बयान आया है मोहन भागवत RSS चीफ का, कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन से कहा है कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, तो उनका शायद नज़रिया बदलता जा रहा है, या फिर मुसलमानों से जो है वो हर हाल में या बराबरी पर आना चाह रहे हैं, या क्या है यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत चलना चाह रहे हैं, क्या है, क्यों ये बराबरी पर तस्वुर कर रहे हैं सर मुसलमानों के साथ खुद को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, मुख्तलिफ जिहाद से हमको इन सारी बातों पर तवज्जो देना है, क्योंकि आप देख रही हैं कि इससे पहले उनके बयानात बिल्कुल अलग थे, कि उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी और मस्जिद के बारे में भी इस सिलसिले में कोई इकदाम ना किया जाए. हाँ, बिल्कुल खुला बयान दिया था उन्होंने कि हर मंदिर में शिवलिंग क्या तलाश करना करके. हाँ जी. अब ये 3 बच्चों की बात वो कर रहे हैं जी, तो कि समझ सकते हैं कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है. तो इसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि हमको कैसे मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर चलना है. और ये जो सियासत खास तौर पर नफरत वाली है, इस सियासत को कैसे हम मोहब्बत वाली सियासत में बदलें ताकि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए. इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती रही हैं, लेकिन हमने हमेशा नफरत का जवाब जो है मोहब्बत से ही दिया है और हिकमत अमली अपनाई है. जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहुंचने के बाद मीसाक़े मदीना भी फरमाया था, और बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं, क्योंकि हम चलते हैं हमारे नबी अलैहिस्सलाम के उसवे हसना पर. इन बातों में भी अगर हम नबी अलैहिस्सलाम के उसवे हसना को सामने रखकर सवाल का जवाब तलाश करेंगे, तो कौम को बआसानी उन सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे कि किस दौर में हमको क्या करना है, किन हालात का किस तरह से मुकाबला करना है, और ऐसे हालात में क्या हम इनका उल्टे जवाब देना है, या यह है कि हम अपने आप को
बेहतर से बेहतर मुसलमान बनाना है और फिर हिकमत अमली अपनाना है, तो इन सारी चीजों को हम समझकर अगर हम उस पर अमल कर लेते हैं तो ये बात आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह मुसलमानों का इत्तेहाद और उनकी हिकमत अमली जरूर उनको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। बेशक सर, इन लोगों का एक ये है कि एक लोक संख्या शास्त्र है जिसके मुताबिक उन्होंने बयान दिया है कि सोसाइटी कैन सर्वाइव, अगर पॉपुलेशन उनका बढ़ता है तो सोसाइटी कैन सर्वाइव। अब मेरा सवाल ये है कि मुसलमान मुश्किल से 14-15% हैं और उनका तकरीबन 80% है, 79% है उनका शेयर, पॉपुलेशन शेयर। तो इस पर तो बाकायदा SY कुरैशी, जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, तो उन्होंने बाकायदा इसको मिथ भी करार दिया है कि किसी भी तरह मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी को ओवरटेक कर ही नहीं सकती है करके। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि आपने जो सवाल में ये बात रखी थी कि मुसलमानों का पॉपुलेशन 15% है और हिंदू भाइयों का पॉपुलेशन 80% है, ये बिल्कुल ये हिंदू फीसद नहीं है। आप अगर देखें तो शायद समझते होंगे कि SC ST और इसी तरह जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, और ऐसे ही हमारे बहुत सारे दूसरे जो दलित भाई हैं अलग 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 इसमें, तो वो अपने आप को कभी हिंदू नहीं मानते। तो ऐसे भी ये कर दिया है कि जाट्स को जो है हिंदुओं में नहीं शुमार किया जाएगा, तो इनका भी एक बहुत बरहम अंगेज बयान आया था जाट्स का भी कुछ दिन पहले। हाँ, तो आप अगर अब अंदाजा लगा लें तो आपको ही पता चल जाएगा कि परसेंटेज किन का कम है और किन को ज्यादा करने के लिए वो इशारा दे रहे हैं। अच्छा। तो वो आप जरा समझ कर बात कर लेते हैं तो मुनासिब होगा। तो एक बात तो ये हुई, दूसरी बात ये है कि ये जो भी हिकमत अमली होती रही वो होती होगी, लेकिन जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्के वालों ने क्या क्या किया था, तीन तीन उन्होंने प्लान किए थे, तो अल्लाह रब्बे जुल्जलाल ने कुरान में फरमाया वो मकर अल्लाह, तुम भी तुम्हारी तदबीरें चलो, अल्लाह की तदबीर अपनी बराबर तदबीर चलेंगे अल्लाह, और अल्लाह की जो तदबीर होगी सबसे बेहतरीन तदबीर होगी। जी बिल्कुल। तो इस वजह से मुसलमानों को मायूस होने की भी जरूरत नहीं है और इससे परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, और जिस रास्ते पे हमको चलना है वो चलते रहना है, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी को बगौर हमको पढ़ना है, और उसके मुताबिक अगर हम हिकमत अमली अपनाते हैं तो वहाँ हमारे लिए कामयाबी बहुत आसानी है इंशाल्लाह। बेशक सर, मैं एक और बात कहना पूछना चाह रही थी आपसे कि बाज़ लोगों ने तो इस तरह के रवैये को कम्यूनल अलार्मिंग और फियर मॉन्गरिंग वगैरह कहा है, लेकिन RSS का तो काफ़ी मोहतात अंदाज में कहना है कि ये एक जो है कल्चरल इम्परेटिव हो गया है करके। तो इसको एक ढके छुपे अंदाज में, ना तो इसमें ना तो कोई अदावत जाहिर हो रही है ना कोई दुश्मनी जाहिर हो रही है, बस अपने आप को ऊपर लाने का एक बयानिया दिया जा रहा है। तो इस तरह का जो मास्क्ड चीजें होती हैं, तो उससे हम कैसे उभर सकते हैं, उससे कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं सर? हम बहुत अच्छी बात है अगर वो यहाँ कोई मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने लोगों में जो लोग आजकल, पहले तो अगर हम दो हैं तो हमारे दो होना चाहिए इस तरह का नारा लग रहा था, अब दो हैं तो एक का नारा लगाना शुरू कर दिए हैं, तो शायद मोहन भागवत जी साहब को ये एहसास हुआ कि कहीं अब एक भी ना रहे तो मुश्किल होगा, तो उस वजह से अपने अपने लोगों को इसकी तरफ उन्होंने आवाज लगाई है। तो फिर हम उसको नेगेटिव क्यों देखें, कि हम मुसलमान भी अपनी औलाद को पैदा करें और वो भी अपनी औलाद को पैदा करें, इसमें हमको कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अल्लाह हमारा मुहाफिज है, अल्लाह ही से हम डरते हैं और अपने नबी से हम मोहब्बत करते हैं, तो नबी का तरीका हमारे लिए बेहतरीन तरीका है, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो बातें हमारे लिए इरशाद फरमाई, उम्मत मुस्लिमा अगर उन बातों को समझकर उस पर अमल कर लेती है तो बहुत कामयाब होगी। जी बिल्कुल दुरुस्त पर पाया सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बारे में क्लैरिफिकेशन देने के लिए, बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह। इज द परसीव्ड ग्रोथ ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन बीइंग एग्जैजरेटेड? Is the statement merely a political agenda or does it have a deeper social and cultural context? Maulana Maqsood Imran Rashadi raised important points on this issue.
which you can hear in this conversation.